सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रिडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022-23 के 40 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है लेटेस्ट टाइगर्स और बिस्मैन हिट के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 14 जनवरी को इंडिया टाइम के अनुसार मॉर्निंग 10:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी एडिलेड ओवल एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फिर दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो जहां 5 मैच में 3 मैच लॉस और 2 मैच विन करके आ रही है, वहीं दूसरी टीम अगर बिस्मैन हिट की बात करें तो 5 मैच में 4 मैच लॉस है 1 मैच विन करके आ रही है। तो गाइस यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एडिलेड स्ट्राइकर टीम फॉर्म में आगे चल रही है। वहीं अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 10 मैचेस में तो जहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर 5 मैच जीत के आ रही है तो वहीं बिस्मैन हिट भी 5 मैच जीत के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे हेड टू हेड में दोनों का परफॉर्मेंस लगभग इक्वल चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज देखें तो जहाँ पे एडिलेड स्ट्राइकर का 50% है तो वहीं बिस्मैन हिट का 20% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 166 है तो वहीं बिस्मैन हिट का 159 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 230 है तो वहीं बिस्मैन हिट का 224 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर का 108 है तो वहीं बिस्मैन हिट का 121 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं वेदर की। और आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी तो क्लाउडी रहेगी, 12.5 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 52% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? वहीं अगर फर्स्ट बैटिंग का एवरेज स्कोर चेक करें तो इस पिच पे 164 बन सकती है। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो 144 बनने की संभावना है। अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 63 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी जबरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो इस पिच पे बैटिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है, वहीं बॉलिंग करने वाली टीम को इस पिच पे स्ट्रगलिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस पिच पे जितने भी अधिकतर मैच हुए हैं सब डिफेंड में विन हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर टीम के लिए टॉस जीत के बैटिंग करना प्लस पॉइंट हो सकती है, क्योंकि इस पिच पे डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेसिंग करने वाली टीम की बात करें तो इस पिच पे चेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे टीम को अपना समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है। बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर को यहाँ पर अपना बॉलिंग सुधारने की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। अगर दूसरी टीम बिस्मैन हिट की बात करें तो बहुत ही खराब प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रही है। स्टार्टअप में देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही थी। अभी तक टोटल 9 मैच खेल के आई जिसमें से सिर्फ 2 मैच विन किए, बाकी 7 मैच अपना बुरी तरह हार के आ रही। तो गाइस यहाँ पर बिस्मैन हिट पूरी तरह कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रांग टीम एडिलेड स्ट्राइकर है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त भी हो सकती है, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम एडिलेड स्ट्राइकर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स कैरी, मैथ्यू शॉट, रियान जिप्सन, जैक वेदरलैंड। अगर वहीं दूसरी टीम बिस्मैन हिट के की प्लेयर की बात करें तो सैम बिलिंग्स, मैक्स ब्रियंट, उस्मान ख्वाजा, मिचेल स्वेप्सन, ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर्स जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एडिलेड स्ट्राइकर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।